सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर के आरोप पर अनिल देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले परमवीर सिंह और सचिन वाजे द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप पर जस्टिस चांदीवाल ने 11 मई तक मेरी जांच की। इस जांच के दौरान आतंकवादी और 2 हत्याओं के मामले में आरोपी सचिन वाजे ने अदालत में जिरह में साफ कहा था कि ना तो अनिल देशमुख और ना ही उनके किसी पीए ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उन्हें कभी पैसे नहीं दिए। अनिल देशमुख ने इस समय कहा कि आतंकवाद और 2 हत्याओं के मामले में आरोपियों के कुबड़ पर राजनीतिक समझदारी का आरोप लगाने का समय आ गया है। आगे बोलते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि जस्टिस चांदीवाल की कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमप्रीत सिंह को भी कोर्ट में तलब किया था, लेकिन 6 बार समन भेजने के बाद भी वह नहीं आया है। आखिरकार उन्होंने अपना गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद एक वकील के माध्यम से अदालत में एक हलफनामा लिखा, जिसमें कहा गया कि मैंने अनिल देशमुख पर वास्तविक जानकारी के आधार पर आरोप लगाया है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जस्टिस चांदीवाल ने 2 साल पहले मेरे खिलाफ लगे आरोपों की 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, लेकिन 2 साल से राज्य सरकार उस रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं ला रही है। इसके लिए मैंने कई बार देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर जस्टिस चांदीवाल की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है। 2 साल पहले जब यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी, तब सभी मौजूदा अखबारों में ऐसी खबरें थी कि जस्टिस चांदीवाल की रिपोर्ट में अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन क्योंकि इस रिपोर्ट में मुझे क्लीन चिट दे दी गई थी, इसलिए इसे देवेंद्र फडणवीस ने छुपाया है, ऐसा अनिल देशमुख ने भी इस समय कहा। आतंकवाद और 2 हत्याओं के मामले में आरोपी सचिन वाजे अब मेरे ऊपर 3 साल पुराना आरोप देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर लगा रहे हैं। जैसा कि कल बताया गया कि हाईकोर्ट ने मुझे जमानत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि सचिन वाजे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह 2 हत्याओं का आरोपी है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। जब जस्टिस चांदीवाल की अदालत में मेरे वकील से जिरह हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि ना तो अनिल देशमुख और ना ही उनके किसी पीए और ना ही ऑफिस स्टाफ ने पैसे मांगे और ना ही मैंने पैसे दिए हैं। अनिल देशमुख ने यह भी अनुरोध किया कि अगर देवेंद्र फडणवीस में हिम्मत है तो 3 साल पहले मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की जस्टिस चांदीवाल की अदालत द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट सरकार को लाकर दिखाए। फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, इन्होंने सचिन वाजे का सहारा लेके मेरे ऊपर फिर से सचिन वाजे को मेरे खिलाफ में आरोप करने लगाया। सब दुनिया जानती है कि सचिन वाजे एक दहशतवादी और 2 मर्डर के केस का गुनहगार है। फिलहाल मर्डर के केस में और दहशतवादी केस में वो जेल में है। ऐसे सचिन वाजे का सहारा देवेंद्र फडणवीस को मेरे ऊपर आरोप करने के लिए लेना पड़ता है, बड़ी ताजुब की बात है। एक महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर सचिन वाजे जैसे गुनहगारी प्रवृत्ति के आदमी को मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की बोलता है और उसका सहारा मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए करता है, इसका मुझे बहुत आश्चर्य होता है। 3 साल पहले यही जो मुझे कल जो आरोप लगाया है सचिन वाजे ने, यही आरोप 3 साल पहले परमवीर सिंह और सचिन वाजे को देवेंद्र फडणवीस के कहने के ऊपर परमवीर सिंह जो मुंबई के माजी पुलिस आयुक्त थे और सचिन वाजे, ये दोनों को मेरे खिलाफ में देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले आरोप करने लगाया था। जब मेरे ऊपर 3 साल पहले आरोप लगे, तब मैंने खुद मुख्यमंत्री साहब को कहा था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसकी जांच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उस वक्त जस्टिस चांदीवाल जो हाईकोर्ट के जज थे, जस्टिस चांदीवाल इनको ये चौकसी करने का पूरा इंक्वायरी करने का काम सौंपा। जस्टिस चांदीवाल साहब ने 11 महीने इसकी डिटेल में इंक्वायरी किया, सबको वहाँ पे बयान के लिए बुलाया, सबके स्टेटमेंट लिए और 1400 पन्नों का रिपोर्ट 2 साल पहले सरकार को दिया है। ये 1400 पन्नों का जो रिपोर्ट है सरकार को दिया है, 2 साल से सरकार के पास पड़ा है। जब ये चांदीवाल साहब का अहवाल जब सरकार को सौंपा गया, उस वक्त सरकार के जरिए से बयान दिया गया था कि ये अहवाल में अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी है। मुझे वो अहवाल में क्लीन चिट है, इसके कारण जो अहवाल 2 साल से होम डिपार्टमेंट में देवेंद्र फडणवीस साहब के डिपार्टमेंट में पड़ा है, वो अहवाल जनता के सामने
देवेंद्र फडणवीस नहीं ला रहे। मेरी उनसे दरखास्त है देवेंद्र फडणवीस से कि जो दो साल से जो जस्टिस चांदीवाल का इंक्वायरी रिपोर्ट 1400 पन्ने का जो आपके डिपार्टमेंट में पड़ा है उसको जल्द से जल्द जनता के सामने लाए ताकि जनता को मालूम पड़े कि वो रिपोर्ट में क्या है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।